नमस्कार दोस्तों, ड्रीम पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेमपाल सिंह आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। और इस टॉपिक से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब आर्थिक नियोजन। आप अच्छे से जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो अंग्रेज क्या हालत करके गए थे भारत की, ठीक है ना। उस समय पे सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी, ना कोई इंडस्ट्री थी और एग्रीकल्चर का भी बुरा हाल कर रखा था, ठीक है ना। कोई रोज़गार के अवसर नहीं थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया ने झेली उस समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए। अब उस समय के जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे जो नेता थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत को द्वारा से भारत बनाया कैसे जाए। जैसे हम पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे, वो सोने की चिड़िया अब ना रहा, ठीक है। तो भारत को भारत कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उनके सामने, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो भारत का संविधान पे काम चल रहा था, लेकिन इधर रोजगार के अवसर देना लोगों को, इतनी सारी जनता है उसको रोजगार के अवसर देना, क्या खाएगी वो, कहाँ से आएगा, क्या रिसोर्सेज होंगे, कहाँ से वो चीज़ें जनरेट कर पाएंगे, कहाँ से वो खाने की चीज़ें पैदा होंगी, क्या हम किसी दूसरे देश से लेंगे। तो ये सारी बहुत से असमंजस थे, बहुत से चैलेंजेस थे, तब जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करने की सोची। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब आर्थिक नियोजन। इसके अंडर में वो भारत सरकार जो है 5 ईयर प्लान लेके आई, पंचवर्षीय योजना लेके आई। अब पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है कि हम 5-5 साल के लिए अपने लक्ष्य बनाएंगे और 5 साल में हमें क्या करना है वो हम टारगेट बनाएंगे, और फिर टारगेट बनाने के बाद फिर बहुत अच्छी तरह से हम उस पर लग जाएंगे काम करने पे, जिससे कि हम 5 साल के अंदर जो हमने सोचा है कि 5 साल में हम ये करके दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें हम कर पाएँ, ठीक है ना। तो 5-5 साल के जो टारगेट बने थे डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके, उन्हें ही हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो रूस से लिया गया है, USSR से लिया गया, वहाँ से प्रेरित है, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें हम टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है आई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। बीच में कई साल ऐसे भी आए जहां पर पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई या बनी नहीं किसी कारणवश, कोई राजनीतिक उथल पुथल या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उस समय कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजना कुछ सालों के लिए नहीं बनी, तो वो गैप हो गया है थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे और चीज़ें हुई, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना में 12 पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखिएगा, उसमें से हम पहली आज पढ़ रहे हैं, अभी पहली से शुरुआत कर रहे हैं, और आज हम 8 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, जिससे आपके किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 8 के बाद जो नवी से पंचवर्षीय योजना है वो प्लस नीति आयोग जो नया बना है उसको कंबाइंड करके हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ड्यूरेशन आपको याद रखना है 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है। यह फाइनेंशियल ईयर प्लान जो है, यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। ये आपको सिर्फ नाम याद करना है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है जो आपको मॉडल पढ़ना पड़े, ठीक है ना। तो ये सिर्फ नाम याद करना है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसमें जो है कृषि उत्पादन, सिंचाई, बिजली परिवहन, इन पे जो है लक्ष्य रखा गया, इनको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें लाई गई, जिसमें कृषि का उत्पादन पे ध्यान रखा गया, सिंचाई की व्यवस्था पे ध्यान रखा गया, और बिजली उत्पादन पे ध्यान रखा गया, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान रखा गया, ठीक है। इसी के आगे हम अगर देखते हैं इसी फेस में जो है एजुकेशन के क्षेत्र में 5 IIT की स्थापना की गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5 IIT की स्थापना की गई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसी फेस में जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, हीरा कुंड बांध बनाया गया, मैटूर बांध बनाया गया, सिंचाई को लेकर,
ठीक है ना। तो ये तीन बांध भी इसी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए, आप ध्यान रखिएगा। अगली जो फाइनेंशियल ईयर प्लान है वो है 1956 से लेके 1961 तक, ड्यूरेशन आप याद रखिएगा। इसमें देखिए ये जो मॉडल फॉलो किया गया, महालनोबिस मॉडल ये फॉलो किया गया। इसमें लक्ष्य क्या था कि तेजी से औद्योगिकरण, जो कि घरेलू उत्पादन पर आधारित था, उसको लक्ष्य बनाया गया। और इसी के साथ साथ जो है भिलाई में दुर्गपुर और राउरकेला यहाँ पर जो है इस्पात के प्लांट लगाए गए, के प्लांट लगाए गए, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ हम शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड फाइनेंशियल प्लान में 5 वर्ष में हमने लक्ष्य रखा था कि 4.5 की विकास दर हम प्राप्त, ग्रोथ प्राप्त करेंगे, लेकिन हुई कितनी, 4.2 की। ठीक है, लक्ष्य रखा था 4.5 का, लेकिन 5 साल बाद हमें प्राप्त कितना हुआ, 4.2 की विकास दर प्राप्त हुई, ग्रोथ प्राप्त हुई, वृद्धि। ठीक है, तीसरा फाइनेंशियल प्लान है 1961 से लेके 1966 तक, 1961 से लेके 1966 तक। इसमें भी जो है कृषि पर और उद्योगों की वृद्धि पर जोर दिया गया, कृषि पर और उद्योगों की वृद्धि पर जोर दिया गया। कृषि हर जगह शामिल इसीलिए क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था और अभी भी कृषि प्रधान देश है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही निर्भर करती है, और तब तो बहुत ज़्यादा करती थी। ठीक है, तो कृषि और उद्योगों की वृद्धि पर जोर दिया गया। उसके साथ जो है इसको गडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, इस पूरे प्लान को गडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो उद्देश्य रखा गया था वो था नेशनल इनकम को और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, नेशनल इनकम की में बढ़ोतरी, मतलब राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना, ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक वैसे ही अब देखिए ये जो ड्यूरेशन आपको दिखाई दे रहा है 1961 से लेके 1966, यहाँ पे जो है दो चीज़ें ऐसी हुई जिससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था सही चल रही थी और गड़बड़ा गई। वो क्या थी, चीन से युद्ध हुआ भारत का 1962 में, और पाकिस्तान से युद्ध हुआ भारत का 1965 में। इसके साथ साथ मौसम भी बहुत ख़राब होने के कारण ये सारी चीज़ें जो है, हम 5.6 का हमने लक्ष्य रखा था लेकिन 2.4 ही हम प्राप्त कर पाए। ठीक है ना, अगला जो फाइनेंशियल प्लान है वो है 1969 से लेके 1974 तक, 1969 से लेके 1976 तक। इसमें जो है जो लक्ष्य था वो था कृषि विकास और हरित क्रांति भी यहाँ पे लाई गई, हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट यहीं आया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो आपको जवाब देना है चौथी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था वो था 5.6 का लक्ष्य रखा गया था, और जो हासिल हुआ वो था 3.3% का लक्ष्य जो है हासिल हुआ। ठीक है ना, अगली पंचवर्षीय योजना है पांचवी, वो है 1974 से लेके 1978 तक। इसमें जो है रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही गई और गरीबी कम करने की बात कही गई। ठीक है, पॉवर्टी एरेडिक्शन और न्याय पर जोर दिया गया। ठीक है, और इन्फ्लेशन की जांच इसमें शामिल थी, मुद्रा स्फीति की जांच शामिल थी। यहीं पर एक और काम हुआ वो था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का शुरुआत हुई, जो हाईवेज थे उनकी यहाँ पे शुरुआत हुई। यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.4 का परसेंट का लक्ष्य रखा गया था, अचीव कितना हुआ, 4.4 ही अचीव हुआ। ठीक है ना, अब देखिए सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान जो है 1980 से लेके 1985 तक। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे चलकर एलपीजी हम पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें जो लिबरलाइजेशन वर्ड है उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। तो आर्थिक उदारीकरण मतलब चीज़ें थोड़ा सा आसान होने लगी थी, काम करना आसान होने लगा था। ठीक है, बुनियादी ढांचे में बदलाव, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाने की बात कही गई, और पूरा जो है ये कृषि पर केंद्रित था, एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। यहाँ पे 5.2 का लक्ष्य रखा गया था, हासिल कितना किया,
5.4 ज़्यादा हासिल किया। ठीक है, सातवीं जो फाइनेंशियल प्लान है वो है 1985 से लेके 1990 तक। इसमें जो है आर्थिक और अनाज की उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, आर्थिक वृद्धि शामिल थी और अनाज की उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, और इसमें रोजगार के अवसर पैदा हम करेंगे ये भी हमारा लक्ष्य रखा गया। ठीक है ना, तो देखिए अब आठवां फाइनेंशियल प्लान है, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लान है। ठीक है, इस वीडियो का आगे का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एट्थ फाइनेंशियल प्लान जो है 1992 से लेकर 1997 तक रहा। इसमें जो है जो इंडस्ट्रीज थी उनका मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया, उद्योगों के आधुनिकरण की दिशा में काम हुआ। इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया गया, ठीक है, और गरीबी में कमी पर ये लक्ष्य रखा गया, तो इसमें काम किया गया। और रोजगार के अवसर तो पैदा करना ही है, वो तो हर पंचवर्षीय योजना में शामिल था। यहाँ पे देखिए 5.6% का लक्ष्य रखा गया, हासिल कितना किया, 6.8% हमने हासिल किया। अब देखिए, अब जो प्लानिंग कमीशन की हम बात करें, प्लानिंग कमीशन एक जो है इंडिपेंडेंट बॉडी थी, सरकारी एजेंसी कह सकते हैं हम, जिसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने की, जिसका काम क्या था, यही प्लानिंग करना। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी भारत के प्रधानमंत्री होते थे और एक उपाध्यक्ष होता था अलग से, पूर्णकालिक होता था, फुल टाइम वर्क करने के लिए वो उपाध्यक्ष होता था वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन होता था, सॉरी चेयरमैन कौन होता था, प्रधानमंत्री, और वाइस चेयरमैन कौन होता था, वो अलग से होता था प्रधानमंत्री के साथ। अब प्लानिंग कमीशन जो है जो रिपोर्ट करता था वो किसको करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिपोर्ट करता था। लेकिन जब मोदी सरकार आई 2014 में, तो मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर लेके आए वो नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसके भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और इसका भी एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होता है इसका, नीति आयोग का। लेकिन नीति आयोग प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट किसको करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, लेकिन नीति आयोग डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को। ठीक है ना, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई हैं। और ये अगर फंक्शनिंग देखें तो जस्ट थोड़ा सा अपोजिट ही है प्लानिंग कमीशन के नीति आयोग। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम क्लियर करके चलेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।